फ्रेंड, डिजिटल का ज़माना है। अक्सर आपने देखा होगा, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर कहीं सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे सीटें पहले से फिक्स होती हैं, और उस पर क्या होता है कि जैसे सीट बुक्स होती चली जाती हैं तो हमारे पास लास्ट में दिखाता है कि इतनी सीटें रिमेनिंग है, और जब सीटें फुल हो जाती हैं तो बोर्ड आ जाता है हाउसफुल, और सारा ऑटोमेटिक डिजिटल होता है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम हम एक एक्शन में बना रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। पहले मैं उसका एक ट्रायल दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स। इसमें मैंने एक हॉल का डिज़ाइन बनाया, आप देख रहे हैं अब कैसा बना है। मैंने जैसा भी बना लिया, आप चाहे तो इससे बेटर और अच्छा बना सकता है। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ सीटें, जैसे मैंने कुछ कॉलम्स बना दिए, हमारी सीटें होंगी ऐसी। ये सामने मैंने स्टेज बना दिया, ये हमारा मीटिंग हॉल भी हो सकता है, फिर सिनेमा हॉल भी, जहाँ भी हमने कोई प्रोग्राम रखने होते हैं या कोई फिल्म वगैरह देखनी होती है तो इस तरह का हॉल हमारी कुछ सीटें होती हैं। ये हमारा एंट्री गेट हो गया, यहाँ से हमने एग्जिट गेट बनाया। ओके, और ये हमारा बाहर डिस्प्ले बोर्ड हो गया जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 72 सीट्स हैं, बुक कोई भी नहीं है और रिमेनिंग हमारी 72 सीट हैं, यानी कि सारी की सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई भी हम सीट बुक करते हैं तो सिर्फ वन क्लिक, हम कहीं भी किसी भी शेल के ऊपर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसमें कर लेता हूँ मैं क्लिक। जैसे मैं एक क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रेड कलर की हो गई और यहाँ पे लिखा गया कि बुक, यानी कि ये सीट एक बुक हो गई। और यहाँ पे लीडर बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास बुक के अंदर एक टोटल 72 सीट में से रिमेनिंग हमारे दिखा रहा है अब 71। ऐसे हम और बुक करते चले जाएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे जहाँ भी जिस भी सीट के ऊपर तो वो ऑटोमेटिक बुक होती चली जाएंगी, या फिर हम एरो की भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लगातार ये वाली लाइन रो कंप्लीट ये बुक करनी है, ये बुक हो जाएगी। या हम ऐसे माउस से सेलेक्ट करें कि हमने ये वाली पूरी रो हमारी बुक होगी तो यू सेलेक्ट कर लेंगे इसको, तो हम देखेंगे ये सारी सीट हमारी बुक्स होगी, या सिंगल सिंगल यू क्लिक करते चले जाएंगे। जैसे हम बुक करते जा रहे हैं हमारे पास बुक की जो लीडर बोर्ड पे है वो हमारी बढ़ती जा रही है और रिमेनिंग वाली हमारी कम होती जा रही है। एक बार मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ कुछ और सीटें, ये हमने यहाँ तक बुक कर ली सारी, ये सारी बुक हो गई हमारी, ये सारी हमारी बुक हो गई। आप देख रहे हो यहाँ पे 20 हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास दिखा रहा है ओनली 19 सीट्स रिमेनिंग। अब जैसे हम ये क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे ये लीडर बोर्ड चलता जाएगा कि ओनली 12, 13, 12, 11, 10, ऐसे हमारे पास रिमेनिंग दिखाता जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास अब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फॉल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 सीट रिमेनिंग और ऊपर यहाँ पे आ गया हाउस फॉल। ओके, अब कोई सीट हमने कैंसिल करनी है, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स अगर नहीं आते हैं, कुछ सीट खाली रह जाती है तो हम कैंसिल कैसे करेंगे? हम उसी सीट्स के ऊपर यहाँ पे मान लो कोई भी एक सीट है उसके ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास जहाँ जहाँ हम डबल क्लिक यूज़ करेंगे वो सीट्स खाली होती जाएंगी और रिमेनिंग में यहाँ पे दिखाता चला जाएगा, और हमारा हाउसफुल का जो बोर्ड है वो भी यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, काफ़ी आसान है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं। तो मैं आपको बनाना बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक कर लिया है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये दो सेल हैं, मैंने इनको एक कलर कर दिया तो ये एक एक ही सेल नज़र आ रहा है, ये जो कि यहाँ पे दो सेल है। इसको मैंने मर्ज करके रख लिया है और नीचे इसको भी मैंने मर्ज करके रख लिया है। जैसे कोई भी शेप हम यूज़ कर सकते हैं, हम ई शर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप्स जो हमारे पास है यहाँ से हम शेप्स जो अच्छी लगे हमको वो शेप्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टेज बना लिया, आप और भी अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने लगाने हैं कि टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है ना? तो हमको ये गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी सीट्स होंगी ऑटोमेटिक आ जाएंगी टोटल सीट्स। हम सीधा सा हम एक छोटा सा फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, कि हमारे पास जो बुक सीट है वो, और इसमें हम प्लस करेंगे रिमेनिंग सीट्स, दोनों का जोड़ जितनी सीटें बच गई और जितनी बुक हुई वो टोटल यहाँ पे दिखाएगा और एंटर यूज़ कर लेंगे। ओके, ये तो होगी हमारी टोटल सीटें। बुक सीटें कौन सी होंगी? जो यहाँ पे फिल हो जाएंगी, यानी कि जिनके अंदर टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सीधा और फंक्शन यूज़ करेंगे हम इज इक्वल टू काउंट
इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इस पूरी टेबल को यहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी सीटें हमने बना रखी है वो सारी सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा यूज़ करेंगे। आपको फॉर्मूला शायद सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा यूज़ करेंगे। इनवर्टेड कोमास के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे बुक, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी बुक होगा उनको ये काउंट करेगा, वरना ये ब्लैंक दिखाएगा। ब्रैकेट बंद और एंटर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ज़ीरो है क्योंकि सारे हमारे ब्लैंक हैं। हम कहीं भी एक जगह अगर हम बुक लिख देंगे कि बुक हो गई, तो यहाँ पे देखो बुक में एक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भी हम बताएंगे आपको कि जैसे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक बुक कैसे लिखा आएगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। रिमेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कि ब्लैंक का, कि जितने हमारे ब्लैंक बच गए वो हमारी रिमेनिंग सीटें आएंगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक का, ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने ये कंप्लीट रेंज यहाँ से उठा लेनी है। बस कुछ नहीं करना ज़्यादा, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो ये सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करेगा, तो ब्लैंक जो रह गया वो हमारा रिमेनिंग में आ जाएगा, और जिसमें हमने लिख दिया कि बुक, तो वो हमारा बुकड में आ जाएगा। तो जैसे हमारा एक बुक हो गया तो रिमेनिंग एक रह गया, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे टोटल सीट में दिखा रहा है। अब आ जाता है हमारे पास ये वाला फंक्शन। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे कि इज इक्वल टू इफ, कि यदि हमारा लॉजिक टेस्ट हम ये सेल ले लेते हैं कि ये वाला सेल हमारा कर देंगे लेस देन 20, यदि ये सेल हमारा 20 से कम है तो हमारा यहाँ पे क्या टेक्स्ट आए, क्या शो करे, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे दिखाए ओनली, कितने ओनली। यहाँ भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा गैप देंगे और हमारे पास सीट की संख्या दिखाएगा कितनी सीट रिमेनिंग रह गई। तो इसको तो हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं ओनली, सॉरी ये स्पेस नहीं लेगा, हम यहाँ पे एक स्पेस यूज़ कर लेते हैं, और फिर ये हम डबल कोट यूज़ करेंगे और देंगे एंड। हमारा ये वाला सेल यहाँ से उठाएगा कि कितनी सीटें रिमेनिंग रह गई, और एंड फिर से हम डबल कोट शुरू करेंगे, स्पेस यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीट्स रिमेनिंग और डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद और एंटर। नहीं, एंटर यूज़ अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एंटर यूज़ किया तो देखो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, हमने फॉल्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में एक चीज़ और जोड़ेंगे कि यहाँ पे लास्ट में, कि यहाँ पे अगर टोटल सीट्स हमारी 20 और उससे ज़्यादा है तो हमारा क्या है, हम कोमा यूज़ करेंगे और डबल कोट्स दो बार यूज़ कर देंगे तो वो ब्लैंक आए, और एंटर यूज़ करेंगे। तो अभी हमारा सेल ब्लैंक आएगा कब, जब तक हमारे पास वहाँ पे 20 सीटें तक हैं। 20 से जैसे ही कम आएंगी तो वो ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा कि आपके पास कितनी सीट्स यहाँ पे बच गई है। यहाँ पे हम हाउसफुल के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, फिर से हम करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कि हमारा यही वाला सेल इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर जब ये ज़ीरो हो जाता है तब डबल कोट्स हम शुरू करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे हाउसफुल, और फिर से डबल कोट और ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ भी एंटर से पहले हम क्या करेंगे, वरना ये जब तक ज़ीरो नहीं आए तब तक ये कुछ नहीं दिखाए, तो कोमा यूज़ करेंगे और दो डबल कोट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, यानी कि ज़ीरो से पहले भी यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूले हमारे रेडी हो गए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए हमको एक छोटा सा वीबीए का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होगा। ध्यान रहे आप ये फॉर्मूले पहले लगा लें, क्योंकि वीबीए का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमारा क्लिक चालू हो जाएगा वहाँ पे, और क्लिक हम जरूरी नहीं यहीं, हम जहाँ भी सीट में क्लिक करेंगे वो बुक लेता चला जाएगा, या फिर हम एरो की भी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक बुक लेता चला जाएगा। अगर बीच में हमने एडिट करना है तो हम किस प्रकार कर पाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक वीबीए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा कोड है। आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पे ऑल्ट F11 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक वीबीए की विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं
इसके अंदर हमारे पास मिलेगा, हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम सीट वन में काम कर रहे हैं, टू में काम कर रहे हैं, थ्री में काम कर रहे हैं, हमने सीट वन में काम किया तो सीट वन पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ से व्यू कोड इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, व्यू कोड आ गया हमारा। हम व्यू कोड में से जर्नल की जगह कर लेंगे वर्कशीट, तो इधर आ गया हमारा सिलेक्शन चेंज, क्योंकि हम जो सेलेक्ट करेंगे वही हमारा चेंज होना चाहिए, तो इसको सिलेक्शन चेंज ही रखेंगे। और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, ये कोड होता है RGB का, ब्रैकेट स्टार्ट, कि जैसे हम क्लिक करें तो कैसा कलर आए। तीन कलर के, तीनों के कोड होते हैं 255, 255 और 255। तो हमको जैसे ही क्लिक करें तो वहाँ पे रेड कलर आ जाए, तो वहाँ पे हम तो पहला जो हमारा 255 होता है ये हमारा रेड का आ गया, दूसरा कलर कोमा नीचे तो 0, 0, 1, यानी कि हमको सिर्फ रेड कलर चाहिए, ना ग्रीन चाहिए ना ब्लू चाहिए, तो रेड वाले को हम 255 यहाँ पर डाल लेंगे। फिर एक लाइन हमको और लिखनी पड़ेगी वहाँ पे टेक्स्ट चेंज के लिए, सिलेक्शन डॉट वैल्यू। ओके, वो हमारी इज इक्वल टू क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे बुक, क्योंकि बुक लिखा है, जैसे हम क्लिक करें तो वहाँ पे उसका कलर रेड हो जाए और वहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाए बुक। ओके, एक कोड हमारा रेडी हो गया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे बुक हो जाए, बुक लिखा है वहाँ पे टेक्स्ट और उसका कलर चेंज हो जाए रेड कलर में। फिर हमने अगर सीट को अनबुक करना है तब हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे डबल क्लिक यूज़ कर लें या राइट क्लिक यूज़ करके। तो राइट क्लिक मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि राइट क्लिक से हमारे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन चेंज के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिफोर डबल क्लिक, इसको चुन लें तो आपके पास एक विंडो और ओपन हो गई डबल क्लिक के लिए। यहाँ पे हम सेम टू सेम ये कोड ही उठा लेते हैं, दोबारा से लिखने का टाइम हमारा बच जाएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ कि हम उसी पे डबल क्लिक करेंगे तो उस बार हमारा कलर रेड नहीं, ये रेड नहीं आए, उसकी जगह उस सेल का कलर वापस ग्रीन आ जाए। और मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ 255 आ गया, और बुक की जगह क्या हो जाए वो ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ से मैं बुक को काट दूँ, बस डबल कोड्स रख लेंगे, हो गया हमारा कोड। अगर कोड भूल जाते हैं तो मैं ये कोड भी एक नोटपैड फाइल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये कोड को। ओके, फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर बुक लिखा आ रहा है और ये प्रोग्राम भी हमारा साथ साथ चलने लग रहा है। चल गया, हम किसी भी सेल पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ पे वो ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन हो जा रहा है, चल रहा है। अब अगर हम चाहें कि इनको सभी को पहले कलर यानी कि ग्रीन करके रख लें तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि इनका कलर हम सभी का ग्रीन कर लें, तो जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये सभी बुक दिखाता है। और यही नियम बाहर भी अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो हमने प्रोग्राम जो RGB का जो कोड डाला था वो काम कर रहा है। तो इसको हमने जब भी इसमें एडिट करना है तो क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को एक बार हमने स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, फिलहाल मेरे पास ओपन है वनआर, ऑल्ट F11 के साथ जाएंगे, सीट वन के ऊपर हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक और व्यू कोड कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा क्लिक वाला दिखा रहा है इसके ऊपर हम यहाँ पे ये जो डबल कोट है उसके ऊपर सिंगल सिंगल कोलन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये लो हो गया। अब हम इस सीट के अंदर जो भी एडिट करना चाह रहे हैं, दोबारा अपना फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से इनको डिलीट करना चाह रहे हैं, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, डिलीट करना चाहेंगे डिलीट कर देंगे, या फिर हम सभी का कलर यहाँ पे चेंज करना चाहें, हम यहाँ पे सभी को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे कलर हम सभी का ग्रीन कर दें, जैसा भी हमने करना है हो गया। और ये भी हमको नहीं चाहिए डिलीट करने, क्योंकि फालतू आ गए हमारे पास।
कलर इनका नो फिल कर देंगे और फोर फॉर्मूले चेंज करने हैं तो हम आसानी से कर लेंगे। तो अब हमारा देखो क्लिक के ऊपर वो कोड काम नहीं कर रहा ना, तो वो कोड हमने स्टॉप कर लिया है। और जब भी हमने काम अगर फॉर्मूला हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस उसको चालू कर लेंगे। हम वापस हमारे वीबी प्रोग्राम में जाएंगे और हम ये हमारे कॉलम्स यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा दिया हमने और इसको हटा दिया। ओके और क्लोज। आप इस फाइल को चाहे सेव कर सकते हैं। देखो अब हमारा फिर से प्रोग्राम काम करने लगा है। सेव करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कंट्रोल एस यूज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये मांगता तो है वीबी प्रोजेक्ट सेव, लेकिन ये परमानेंटली वीबी प्रोग्राम सेव नहीं होता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम वापस यहाँ पे जाएंगे सेव एज में। तो अब ये जो देख रहे हैं नीचे एक्सेल वर्कबुक, इसको हमने एक्सेल वर्कबुक की बजाय एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिप्लेस यस। और इस फाइल को एक बार बंद कर देते हैं और फिर से ओपन करते हैं हम ये हाउसफुल। हमारा ये दो हैं, एक सिंपल थी एक हमारी मैक्रो इनेबल, और मैक्रो इनेबल वाले को हम ओपन करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो कैसे काम करेगा, आप ऊपर देखोगे फॉर्मूला बार से ऊपर एक हमारे पास सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है कि मैक्रो हैज़ बिन डिसेबल्ड। यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी मैक्रो को यहाँ से इनेबल कर देंगे, इनेबल दिस मैक्रो कंटेंट्स। ओके अब ये वापस हमारा यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।